₹500। ये कितने का है ऑटो? ₹100। और ये टॉय कितने का है? ₹600। आप मुझे ये ऑटो दीजिए। ये टॉय कितने का है? ₹100। ये स्टार? ₹100 में सारा चाइनीज माल। ये बर्ड? ₹100 में। क्या सारा? ये ₹100 का है सब, सारा आइटम ₹100। ब्लॉक्स भी? ये भी ₹100। अरे वाह, मुझे एक ये देना, ब्लॉक्स देना, और मुझे किटी देना, और मुझे बर्ड देना, और मुझे ये देना। ओके ओके, थैंक यू। थैंक। आपने देखा किस तरह मैंने अगर मेड इन चाइना प्रोडक्ट लिया, चाइना में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट लिया, तो मैंने इनडायरेक्टली चाइना की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। वैसे ही अगर मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, तो मैं अपने इंडिया की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, अपने भारत की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। अभी जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया चाइना बॉर्डर पर टेंशन्स का माहौल है, कुछ भी चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। चाइना हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रही है, चाइना मनमानी करने की कोशिश कर रही है, और वहीं इंडिया उनके सामने एकजुट होकर खड़ा हुआ है। भारतीय सेना उनकी मनमानी बिल्कुल भी चलने नहीं दे रही है। अभी कुछ टाइम पहले सोनम वांगचुक जी की एक वीडियो आई थी, जिसमें उन्होंने बोला था बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। उन्होंने बहुत ही एक अच्छी एक बात कही थी, बहुत ही अच्छी एक लाइन बोली थी, भारतीय सेना जवाब देगी बुलेट से और हम जवाब देंगे अपने वॉलेट से। ये एक लाइन, ये एक बात अगर हर भारतीय, हर इंडियन इसको फॉलो करता है, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है, तो हम अपनी भारतीय सेना का, हम इंडियन आर्मी का बहुत ज़्यादा मनोबल इंक्रीज़ कर पाएंगे, और हम अपनी इंडिया की इकनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे, हम इंडियंस इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। एज़ अ इंडियन पेरेंट, आज इस वीडियो में मैं कुछ आपको इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी। हम एज अ पेरेंट हम क्या क्या किस तरीके से अपने बच्चों के प्रोडक्ट, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं, जिससे कि हम इंडिया की इकनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम खुद को, इंडियंस को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगी बेबी के कॉस्मेटिक का, जो कि हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो इसमें आप हिमालय का ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, आप मीमी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, आप मामा अर्थ ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे ब्रांड हैं, बहुत ज़्यादा आपका कॉस्ट भी इनका बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है, और आप देख ही रहे हैं डेली लाइफ में उसे बहुत सारी जनता यूज़ कर रही है, और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेबी का डाइपर्स की। डाइपर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि इस टाइम पे कोई भी पेरेंट सर्वाइव कर पाते हो, बिकॉज डाइपर आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे की नींद ही डाइपर से पूरी होती है। इसमें आप हिमालय का डाइपर ले सकते हैं, आप मिमी का डाइपर ले सकते हैं, हिमालय बेबी पैंट्स जो आती हैं, इसका कॉस्ट भी उतना ही है अप्रॉक्सीमेटली। कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडियन ब्रांड खरीद रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, और क्वालिटी में भी ये बहुत अच्छे हैं, आपका कॉस्ट भी उतना ही है, तो व्हाई नॉट टू परचेज इंडियन ब्रांड। तो आप बेबी डायपर्स में आप हिमालय, मिमी, इस तरीके से ब्रांड देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेबी का, फॉर एग्जांपल आपका बेबी का चेयर हो गए, बेबी के हाई चेयर हो गई, बेबी का प्रैम हो गया, बेबी का स्ट्रॉलर हो गया, बेबी का आपका टेबल हो गई, उसके बाद आप साइकिल हो गई, तो ये आप देख सकते हैं। आप लव लैप का देख सकते हैं, लव लैप इज़ ऑल्सो इंडियन ब्रांड। आप मिमी देख सकते हैं, मिमी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स इसमें मैन्युफैक्चर कर रही है। आप आर फॉर रैबिट देख सकते हैं, आर फॉर रैबिट भी बहुत अच्छा है, और बहुत यूनिक इसमें प्रैम, जितने मैंने देखे हैं बहुत यूनिक, बहुत अच्छे प्रैम हैं इसके, तो आप आर फॉर रैबिट देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइट वेट में भी मिल जाएंगी, और आपको मतलब कहते हैं सारी क्वालिटी के साथ आपको इसमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, और आपको रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाएगा। तो आप प्रैम्स में, साइकिल्स में, आप चेयर्स में, इन सब चीज़ों
चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, रेदर देन कि आप कोई बाहर का प्रोडक्ट ले, बाहर की इकोनॉमी स्ट्रांग करें, आप अपने इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग करें, इंडिया प्रोडक्ट खरीद। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेबी के टॉयज़ की। बेबी का टॉयज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो मैक्सिमम आप पाएंगे मेड इन चाइना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की, तो इंडियन मैन्युफैक्चर्ड टॉयज़ आप खरीद सकते हैं, आप फन स्कूल के खरीद सकते हैं जो कि तमिलनाडु का, मतलब तमिलनाडु बेस्ड है। उसके बाद आप कोकोमोको टॉयज़ देख सकते हैं, कोकोमोको टॉयज़ भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब आपको इसमें वैरायटी मिल जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं देने हैं, तो आप कोकोमोको टॉयज़ देख सकते हैं। उसके बाद आप टेक्टोपस के टॉयज़ देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे टॉयज़ हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाएगी। उसके बाद आप चना पटना टॉयज़ देख सकते हैं, उसमें ये बहुत अच्छा होता है, वुडन के टॉयज़ इसमें मिलते हैं और मतलब इसमें क्या है, आपको बहुत क्रिएटिविटी इसमें दिखेगी इन टॉयज़ में और बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। हम बड़े लोग उसको देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बच्चा तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्ट हो ही जाएगा। तो आप चना पटना टॉयज़ अपने बच्चों के लिए देख सकते हैं। उसके बाद एक इंडिया का स्टार्टअप है स्मार्टिविटी, आप उसके टॉयज़ देख सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका बच्चा मतलब आपको बेबी का आईक्यू की अगर हम बात करें, बेबी की साइंस की अगर हम बात करें, तो उसमें बहुत आपको वैरायटी मिल जाएगी। स्मार्टिविटी का जो सिस्टम है वो स्टेम पे वर्क करता है, एंड स्टेम STEM स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग आर्ट्स एंड मैथ्स टॉय डिज़ाइन। तो आप देख रहे हैं पूरा साइंस ही इसमें आ जाएगा, आपके बच्चे की स्मार्टनेस इससे इंक्रीज होगी। और हमें एट द एंड क्या चाहिए, हमें क्या है, रीजनेबल प्राइस में हमें कोई चीज़ मिल रही है, हमारा बच्चे का IQ इंक्रीज़ कर रही है, हमारा बच्चा उस चीज़ को इंजॉय कर रहा है, उन टॉयज़ को इंजॉय कर रहा है, हम उस चीज़ को इंजॉय कर रहे हैं, और साथ के साथ हम अपनी इंडिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम अपनी इंडिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हम अपने इंडियन होने का भी साथ में जो एक धर्म होता है हम उसको निभा रहे हैं। तो एज अ इंडियन हम इस टाइम पर और हर टाइम पर हमें अपनी इंडिया के बारे में सोचना चाहिए, हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए, हमें खुद को अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचना चाहिए। एज अ इंडियन पेरेंट हम कोशिश करें जितना हो सकता है हम अपने बच्चों के टॉयज़ हम कोशिश करें हम इंडिया मैन्युफैक्चर्ड टॉय खरीदें। सो आपको कुछ नहीं करना, आप मॉर्निंग उठें, सुबह उठें, आप जिस टाइम से ब्रश करते हैं और रात तक आप देखें, चीज़ों को नोटिस करें, आप कितना चाइनीज़ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, चाइना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, आप उन्हें एनालाइज करें, आप देखें क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव है, क्या हम कोई ऐसी चीज़ इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हो, आज नहीं तो कल हम उस चीज़ को चेंज कर दें। और अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बाय चांस नहीं है उस चीज़ की, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो आप इस चीज़ को एनालाइज करें, आप नोटिस करें, उसके बाद आप खुद से अपने आप से अपना डिसीजन लें, अपनी एक फाइनल कॉल लें। एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगी, इंडियन आर्मी, वी ऑल पेरेंट्स आर विद यू, वी ऑल सल्यूट यू, और आप ही लोग हैं जिनकी वजह से आज हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, सेफ हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। सो वी ऑल थैंक यू सो मच, सो 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 मच। और पेरेंट्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, तो प्लीज़ जितना हो सकता है आप इंडिया की इकनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करें, जितना हो सकता है आप इंडिया मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खरीदें, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरा वीडियो जितना हो सकता है आप फॉरवर्ड करिए, जो कि और लोगों को भी समझ में आए कि हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने चाहिए, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खरीदने चाहिए। और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर योर टाइम। Have a great day.